वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बात करने वाले हैं। और सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे, पीएनबी हाउसिंग के कोई खास न्यूज़ है क्या? तो देखा जाए तो बाय पीएनबी हाउसिंग टारगेट ₹550, यहाँ पे देख से देख जेएम फाइनेंशियल ने टारगेट दिया है, पर बाकी कोई खास ऐसी न्यूज़ नहीं कि जहाँ पे तेजी देखने को मिली थी आज। तो देख सकते आज 439 पे क्लोजिंग दिए, 18 पॉइंट अप, यानी कि 4.46% अप क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है पीएनबी हाउसिंग स्टॉक। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 420 लेवल थी, आज ओपन हुआ था गैप अप से स्टॉक पर। जैसे ओपन हुआ स्टॉक ने सुबह से एक अच्छी मोमेंट बनाई, 425, 430 लेवल, 435 लेवल को ब्रेक करने के बाद 440 लेवल पे रजिस्टर लेता हुआ नजर आ चुका था और उसी के नीचे क्लोजिंग दे चुका था। मार्केट कैप जो है 7.40,000 करोड़ की है, पी रेशो अच्छा है 8 का है इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। और लास्ट फ्राइडेज की बात की जाए तो स्टॉक ने यहाँ पे 4.81% की तेजी देखने को मिले लास्ट फ्राइडेज के अंदर। तो देख सकते कि बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर नजर डालेंगे, जैसे कि ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 7 लाख का है, ट्रेडेड वैल्यू जो है 3060 लाख का है। तो देख सकते कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की भी बात की जाए तो देख सकते क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 5,60,000, उसमें से 2,99,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुकी है, टोटल 53% क्वांटिटी। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक ने आज बुलिश यहाँ पे मोमेंट बनाई है। इस मंथ में देख सकते कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप तेजी देखने को मिले, वो भी मंथली प्यूट को ब्रेक किया, 430-435 लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ऊपर भी सेटल होता है तो इजिली यहाँ पे 450 क्रॉस कर सकता है स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट पीएनबी हाउसिंग के लिए।